काल, आपको लगता है इंडिया जानबूझ के हारा है? जी जी बिल्कुल, ये 100% फिक्स था मैच, कोई एफर्ट नहीं की। इंडिया की पर्सनैलिटी है, ना भी कुछ हो तो वो सिंगल डबल करते रहते हैं, बट स्टार्टिंग से इन्होंने कुछ ही नहीं बनाया और जो वो जो कैच था वो सबके सामने है। पाकिस्तान के चांस कम करने के लिए तो वो हारे आज, वरना वो क्रिकेट अच्छी खेलते हैं जैसा आज परफॉर्म कर रहे थे, वैसी उनकी क्रिकेट नहीं, उनकी गेम इससे बहुत अच्छी है। विराट कोहली का देख ले, विराट कोहली ने कैसा कैच छोड़ा, इजी कैच था, ठीक है, ऐसा कैच आज तक इंडिया ने कभी छोड़ा है? विराट कोहली का वो देख ले, एक रन आउट था, वो भी उसने कैसे छोड़ा है, अब उसका अंदाजा लगा ले। ये फिक्स मैच था, ठंड की वजह भी तो हो सकती है? नहीं, ठंड की कोई वजह नहीं है, वो नहीं खेलने आए, ये सब ड्रामा है, ये हर टाइम ऐसे ही करते हैं। टेंशन ही नहीं थी कैसे खेले, कोहली ऐसे कैच करता है, कैसे कर रहा है वो कैच, मैं बताऊं, इंडिया चाहता नहीं था पाकिस्तान, रोहित शर्मा शॉर्ट बॉल को बार मारता, कैसे मारा उसने, वहीं उठा दिया, इधर ऊपर लगी जाके बॉल, लुंगी निकेटी की तो बॉलिंग की स्पीड भी नहीं है यार, इतनी लुंगी निकेटी की तो बॉलिंग की स्पीड भी नहीं है, इंडिया में तो 200-200 रन खाए इन्होंने, ऐसे ही है ना, इधर तो 120 नहीं हो रहे थे भाई, नहीं इंटेंशन नहीं थी इंडिया की आज, बिल्कुल नहीं। मैं बताता हूँ, पहली बात, इंडिया ने टॉस जीत के कभी भी इंडिया बैटिंग नहीं करती, हमेशा बॉलिंग लेती है, जो सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। T20 वर्ल्ड कप के इंडिया और साउथ अफ्रीका क्रिकेट मैच में रिजल्ट का इंतजार शायद इंडिया से ज्यादा पाकिस्तान को था। T20 वर्ल्ड कप में आगे जाने के लिए पाकिस्तान को इंडिया की साउथ अफ्रीका से जीतना बहुत जरूरी था। इंडियन क्रिकेट टीम के पास अभी भी मौका है सेमीफाइनल में पहुंचने का, अगर अब पाकिस्तान के लिए अगर कोई मिरेकल हो जाए तभी पाकिस्तान आगे जा सकता है। अब इस मैच में इंडियन क्रिकेट टीम की फील्डिंग बहुत ही खराब थी, रोहित शर्मा और सूर्य कुमार ने 2-3 रन आउट छोड़ दिए, वहीं पर दूसरी तरफ विराट कोहली जैसे फील्डर ने एक आसान सा कैच छोड़ दिया। अब इन सब में पाकिस्तानियों को भारत की कोई साजिश नजर आ रही है और कह रहे हैं कि इंडिया ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर करने के लिए जानबूझकर मैच हारा है। इनकी सोच सिर्फ साजिश पर जाके अटक जाती है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, अगर बांग्लादेश इंडिया को हरा दे तो इंडिया के लिए भी बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी और अगर आगे के दोनों मैच बारिश की वजह से धुल जाए तब भी इंडिया के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी, मगर इतनी सी बात पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आती है तो इंडिया क्यों जानबूझकर हारना चाहेगा, मगर पाकिस्तानियों की सोच इससे आगे ज्यादा नहीं जाती है। आज क्यों नहीं, यहीं से समझ जाओ, हम चाहते थे कि वो जीते इंडिया, पाकिस्तान को भी मौका मिले, लेकिन नहीं चाहते। लेकिन हमेशा हर दफे ऐसे हुआ, आपने लास्ट वर्ल्ड कप में भी देखा था, ठीक है, उस टाइम भी ऐसे गली का बच्चा ना छोड़े जो कोहली ने छोड़ दिया, सिर्फ एक मैच मैटर रखता है, इंडिया पाकिस्तान, उसके बाद कुछ नहीं मैटर, वो तो जीत गए यार, वो तो इंडिया जीत गई, हमारे तो वर्ल्ड कप के बाद, अब आगे देखना इंडिया कैसे खेलेगी, आगे देखना स्पोर्ट तो हम भी कर रहे थे, हम कौन से साउथ अफ्रीका कर रहे थे, लेकिन बात ये हुई है ना, अब ऋषभ पंत को आज देखा आपने, बात नोट किया आपने, क्रिकेट सेंस के हिसाब से एक भी लेफ्टी नहीं खिलाया इंडिया ने, एक भी लेफ्टी यार, लेफ्टी तो और बात, एक भी लेफ्टी नहीं खिलाया, हिट ही नहीं हो रहा, हिट करना नहीं था यार, इंडिया ने तो वो कर दिया, बस पाकिस्तान के चांस कम करने के लिए तो वो हारे आज, वरना वो क्रिकेट अच्छी खेलते हैं जैसा आज परफॉर्म कर रहे थे, वैसी उनकी क्रिकेट नहीं, उनकी गेम इससे बहुत अच्छी है, तो वो जानबूझ के ही हारे हैं, पूरी कौम को चूना लगा गए ये लोग, इंडियन बेचारे पैसे खर्च के उनकी परफॉर्मेंस देखने आए थे और वो आउट हो गए सारे बेचारे, तो कोई चक्कर नहीं है, ये चाहते ही नहीं है पाकिस्तान कभी आगे जाए, वैसे हम तो आए थे विराट की बैटिंग देखने, वो 3-4 स्कोर पे ही आउट हो गया, तो हाँ जी हाँ जी, मुझे भी ऐसे ही लगता है, माइक आप पकड़ेंगे, हार गया पाकिस्तान के चांस क्लोज हो गए, क्या हुआ आज इंडियन टीम को, आज इंडियन टीम जान के हारी है पाकिस्तान को बाहर करने के लिए, वरना जैसी उनकी परफॉर्मेंस थी आज स्टेडियम में वो वैसी क्रिकेट खेलते नहीं है, उससे बहुत अच्छी खेलते हैं, लेकिन आज सिर्फ वो चार हार गया साउथ अफ्रीका से, क्या कहेंगे, जैसे हमारे हेड कोच कहते हैं कुदरत का निज़ाम है, इंशाल्लाह नेदरलैंड्स के खिलाफ जो मैच होगा बारिश होगी और पाकिस्तान क्वालिफाई करेगा, और इंडिया अब सेमीफाइनल खेलेगा लगता है आपको, वो तो खेलेगा ही खेलेगा, कुदरत का निज़ाम है, बारिश होगी और पाकिस्तान सेमीफाइनल, सर आप क्या कहेंगे, इंडिया साउथ अफ्रीका से खेला है कैसा लगा आपको मैच, मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग था, मज़ा आया देखने का, अगर 10-15 रन इंडिया की तरफ से और हो जाते तो ज़्यादा डिफेंडेबल टोटल था, और जो एक कैच कोहली की तरफ से छूटा, अगर वो ना छूटता तो इंडिया वाज टॉप ऑफ द गेम, पाकिस्तान के अब सेमीफाइनल के चांस लगते हैं क्योंकि साउथ अफ्रीका भी जीत गया आज, बहुत कम अब चांसेस हो गए हैं पाकिस्तान के, अगर ये इंडिया विन कर जाता तो फिर पाकिस्तान के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, अब बहुत कम चांसेस हो गए हैं पाकिस्तान के,
आप क्या कहेंगे इंडियन टीम की आज की परफॉर्मेंस के बारे में, एज़ ए पाकिस्तानी आपकी क्या फीलिंग है? हम तो उनको पूरा सपोर्ट कर रहे थे। मैच फर्स्ट इनिंग्स में स्कोर थोड़ा कम था, 150 तक तो हो जाता तो बेहतर ये डिफेंड कर लेते, लेकिन बॉलिंग में भी मैच बन ही गया था जैसे स्टार्ट लिया इन्होंने, लेकिन वो जो कोहली ने कैच ड्रॉप किया मार्करम का, अगर वो वहाँ पे हो जाता तो शायद सिचुएशन डिफरेंट होती। लेकिन कोई नहीं, गेम है, देखते हैं आगे क्या बनता है, लेकिन उम्मीद तो नहीं है पाकिस्तान के जाने की, लेकिन कोई नहीं, सपोर्ट फिर भी करेंगे, प्यार करते हैं, क्या कर सकते हैं। थैंक यू। ये पाकिस्तान के क्या चांसेस हैं? अब देखें क्या होता है इंशाल्लाह। मुझे तो लगता है कि नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह के तैयारी करके आए। ये तो जानबूझ के ही हारा है, आखिरी 10 ओवर में 94 रन है, कोहली कैच छोड़ी जा रहा है, वो रोहित शर्मा रन आउट छोड़ी जा रहा है, ये तो ऐसे ही लग रहा है जैसे फिक्सिंग हुई है मैच की। उन्होंने तो प्रॉपर यही प्लान किया हुआ है कि इंडिया जीते, हार जाए, साउथ अफ्रीका जीते, पाकिस्तान पीछे से ही बाहर हो जाए, जीतने का कोई चांस ही ना हो। पाकिस्तान ये तो पाकिस्तान के अगेंस्ट इंडिया एक रन से हारे तो इंडिया की परफॉर्मेंस ऐसा कैसे हो सकता है कि वो जानबूझ के हारेंगे? वो तो ऐसे ही है ना, वो तो आप कह सकते हैं परफॉर्मेंस है, लेकिन फिर भी इंडिया फिर भी उनको डर होता है कि पाकिस्तान कहीं टूर्नामेंट में आगे ना आए और आगे आके ना खेले। आपकी क्या फीलिंग है अभी ये जो कह रहे हैं कि इंडिया जानबूझ के हारे, आपको लगा ऐसा? जी एग्जैक्टली ऐसे ही है, क्योंकि देखे ना 10 ओवर में 94 रन चाहिए थे, ठीक है, उन्होंने बाद में वो कोई नजर ही नहीं आया कि वो मैच जीतने आए, एटीट्यूड ही नहीं है वो जीतने वाला। इंडिया ऐसा खेलती नहीं है जैसे कि ये आज दिख रहा था हमें, ठीक है। अभी हम पाकिस्तान को बस यही कहेंगे कि अपनी तैयारी करके आए, जो जिम्बाब्वे वाला मैच आ रहे हैं वो बस उसी का हमें सबसे बड़ा दुख है। थैंक यू।